आप आइए, आप नहीं आपका पड़ोसी व्हाइट शर्ट वाले के पास वाले के पास वाला। यार यहाँ पे तो सभी ने व्हाइट पहना हुआ। ये क्या हो गया यार, क्या गलत बोला? मेरा नाम है अभय सोनी और मुझे लगता है यहाँ हुई है कोई अनहोनी। अबे अबे यहाँ के बर्तन धोने वाले को भी पता ही है बात कि यहाँ पे कोई अनहोनी हुई है। आप दोनों वहां से चल के यहाँ आइए। हाँ बड़ा, कैसे निकलेंगे अपने, कैसे लगा लेंगे अपने पास में? यार गर्मी लग रही है यार। हाँ बड़ा, कितने बजे खुलूंगा बता देंगे अपने अपने पास में। साढ़े आठ बेटा, आधे से ज्यादा स्टाफ गलत आंसर दे रहे हैं। टारगेट बैच में बैठे हैं, गलतियां नहीं करनी अपने। तू मुझे बता, जब खून वहां था तब तू कहां था? सर वो तो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। तुम तो पागल आदमी हो। उसने ऑर्डर क्या किया था? उसने जो ड्रिंक बुलाई थी, इट कंटेंट 48% ऑफ कार्बन, 18% ऑफ हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। क्या आप हमारी बात समझ पाए? भाई हमारे शहर में तो इसे दारू कहते। क्या आपके शहर में कुछ और कहते? पड़ोसी बार बार बीच में ना बोले, नहीं तो 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दूंगा, और उसके बाद भी तभी आने दूंगा जब तेरे पिताजी मुझसे मिलने आएंगे, नहीं तो परमानेंटली टर्मिनेट कर दूंगा। क्या करते हैं तेरे पिताजी? हाँ क्या चल रहा है यार? ये यहाँ कैसे आ गया? सर ध्यान दीजिएगा, इन लोगों ने अभी तक कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। लॉजिक आपसे यही कहता है कि आपको सेपरेटली इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। हाँ, क्या किया तुमने? सर अभी इंटरोगेशन चल रहा है, जल्दी करना है, ठीक है ना? ओके सर। बेटा कोशिश तो करिए आप करने की। सर वो सब मोटर चलाने क्या हुआ था? जब तू मोटर चलाने गया तब तुझे उसके चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई थी? सर क्या बात कर रहे हो आप, मैं तो मोटर चलाने गया हुआ था, लेकिन जब मैं वापस आया तब तक उसका गेम बच चुका था। अंडरस्टैंडिंग। अरे बेटी तेरा थॉट प्रोसेस बहुत ही अच्छा है, लेकिन उस समय तुझे ये बात क्यों नहीं याद है? सर क्या बात कर रहे हो आप, मेरे दिमाग पे एट अ टाइम इतना सारा प्रेशर होता है कि मैं इतनी सारी चीजें कैसे याद रख सकता हूँ। अबड़ा और कौन कौन काम करता है यहाँ पे? सर एक लॉन्ड्री बॉय भी है। बुलाओ सर। अरे रो, अरे क्या पूछ रहे हो? कहाँ थे तुम कल, आए क्यों नहीं थे? अरे भाई सब लोग इधर देखो, इधर देखो। देखो भाई हमने इनसे पूछा कि कल ये क्यों नहीं आए, तो इनने हमसे कहा कि सर कल हमारे घर पे पूजा थी। वही देखो तुम्हारे घर पे पूजा हो, अर्चना हो, आरती हो, कोई भी हो, तुम लोग यार होटल की छुट्टी मत मारा करो यार, वरना यार होटल बर्बाद हो जाएगी। और तुम आज आयो, अब तुम्हारे दिमाग में यही रहेगा कि हमारे घर पे पूजा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, काम बिगाड़ दोगे, तो इसलिए प्लीज कुछ भी हो जाए ये सब बाद में किया करना। हाँ जानते हैं उनको? हाँ बिल्कुल ठीक है। और उनके पार्टनर को? हाँ 3 दिन पहले आए थे, मैंगो मैन की तरह थे। मैंगो मैन जानते हो? आम खाते हो? मैंगो मैंगो मैन आम आदमी, समझे? ठीक है। हाँ क्यों ऐसे रहे तुम, है खेल चल रहा है यहाँ पे? दोस्त मरा है तुम्हारा दोस्त, ठीक है ना? कल भी बैठ के दारू पी रहे थे, कोई कम कम नहीं तुमको? द ग्रेविटी ऑफ माई सीरियसनेस इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय माई एटीट्यूड। अबे यार, अबे क्या इंग्लिश बोलते हैं? खैर हाँ, कुछ मिला था तुम्हें इसके कपड़ों में? भाई मिला था, कागज का टुकड़ा था, गीला हो गया।
ठीक है? हाँ तो लेना है। वो तो हमने डस्टबिन में फेंक दिया। हमें सोचा एक मैंगो कागज है। अरे मैंगो कागज समझते हो? आम कागज, मैंगो कागज, समझे? ठीक है राजा। यार मैं क्यों यार? सर मुझे एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ चौबे, लॉबिटल लेके जाना है इसको, ठीक है ना? और पता करना है इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं, ठीक है? हाँ जी सिंघानिया, क्या प्रोग्रेस है केस की? हाँ सर, इंटरोगेशन चल रही है, बस काफी करीब है हम खुली है, ये सब चीजें खेल चल रहा है। हाँ सत्यम, क्या करते रहते हो पीछे? तुम मस्ती करते रहते हो, बॉटले गिराते रहते हो, ठीक से शूट वूट नहीं कर पाते हो क्या? है बाहर निकाल दे तुमको। देखो भाई, अपनी सेट पे कुछ लोग शूटिंग के टाइम पे दारू पीते रहते, उनको बताओ कि उस दारू में जो क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है वो इनकी जान ले लेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है ना? ठीक है। यस। हाँ कुछ समझ पाए? यार क्लोरोफॉर्म पीने से जान जाती है। हाँ समझ नहीं पाते तुम हैं? कि कितने लोग बता सकते हैं कि खूनी कौन है? अरे भाई SKS फर्स्ट ऑप्शन SKS। अरे भाई साफ बात है, ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो आप? खून तो मैंने किया है। क्वेश्चन में हैव मोर देन वन करेक्ट चॉइसेस और के आई थिंक रॉन्ग आंसर। अबे अबे अभी भी नहीं बता पा रहे हो क्या? बर्बाद हो तुम लोग। सर साफ बात है, कौन इसी ने की? वही तो बात है बेटा, जिसने जहर मिलाया होगा उसी को तो पता होगा कि जहर कौन सा है और क्या है।